उमंग सिंगार फैंस क्लब के प्रदेश संयोजक भरत सोनी और उनकी टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके निवास भोपाल पहुंचकर सोमवार को तुलसी का पौधा भेंट किया। साथ ही मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा के शासन काल में जो घोषणा और वादे पूरे नहीं है उन सभी की पेपर कटिंग भी भेंट की। साथ ही कहा कि भाजपा के शासन काल में भारी अव्यवस्था थी जिन्हें वर्तमान की कमलनाथ सरकार सुधारने का प्रयास कर रही है। फैंस क्लब सदस्यों ने शिवराज सिंह चौहान को तुलसी का पौधा भेंट करते हुए वैचारिक शुद्धि करने को कहा। उक्त 29 फरवरी को आदरणीय शिवराज सिंह जी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि विशेष खेमे के मंत्री ही क्यों अधिकारियों से इतने परेशान है। कहीं कोई अधिकारी मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं तो किसी मंत्री को काम करवाने के लिए अधिकारी के चरणों में लौटना पड़ रहा है। क्या इन मंत्रियों के विभाग आजकल ये खुद चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है? तो हम आदरणीय शिवराज सिंह जी को इस संदर्भ में मिलने आए थे कि आदरणीय मंत्री जी, ये जो समस्याएं आज हैं वर्तमान में, ये आप ही के शासनकाल की दी हुई समस्याएं, क्योंकि आप ही के शासनकाल में आप ही के मंत्रियों की और आपकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे थे। ये आप ही के भाषण के माध्यम से आपने कही थी, जिसका हमारे पास में एक प्रति है जिसको हमने आपको अभी ज्ञापन के रूप में दिया हुआ है। और आपके शासनकाल में कितने कार्य हुए हैं और कितनी अव्यवस्थाएं थी उसकी भी हमने छोटी सी भूमिका बनाकर आपको उसमें हमने दी हुई है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं अच्छे से। और आप जैसे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर विशेष खेमे के मंत्री, तो विशेष खेमा मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी करती है और हम उस पार्टी का छोटे कार्यकर्ता, और हमारी सरकार जो बनी हुई है यहाँ मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार है, ना कि किसी खेमे विशेष की सरकार बनी हुई है। अतः आपने जो ये कहा है उसके लिए हमने आपको तुलसी का पौधा भेंट किया है ताकि जिससे आपको वैचारिक शुद्धि आए और आप सही से अगली बार अपनी बात रख पाए। और ये पूरी कॉपी